इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने शिल्प ग्राम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई, जहां पर संबंधित अधिकारियों को इसकी फटकार भी लगाई गई। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने किया शिल्प ग्राम का निरीक्षण। खामियां मिलने पर अधिकारियों की लगाई गई क्लास। शिल्प ग्राम में चल रहे विकास कार्यों का किया गया भौतिक सत्यापन। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता गोपाल शर्मा से। जी गोपाल, जैसा कि हमारे पास जानकारी मिली है कि मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने शिल्प ग्राम का निरीक्षण किया, तो इस दौरान क्या खामियां सामने आई? आरती, आपको बताना चाहूँगा कि सुबह आज करीबन 11:30 बजे मंडल आयुक्त शिल्प ग्राम जो ताज महोत्सव के जो प्रांगण है वहाँ पर पहुँच गए किया जा रहा था, तो वहाँ देखा कई सारी खामियां देखने को मिली, जिस पर जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर फटकार लगाई। जिस तरह से वहाँ पर जो चीजें देखी जा रही थी, आपको बता दूं कि जिस तरह से शिल्प ग्राम एक पर्यटन टूरिस्ट की पहले से भी जाना जाता है, जिस तरह से ताजमहल के पास, ताजमहल पर जो पर्यटक जाते हैं वो वहीं से जाते हैं, तो सफाई व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों की काफी क्लास लगाई। और कह सकते हैं कि एक जो वॉशरूम है वहाँ जो गंदगी देखी गई उससे काफी नाराज होती हुई दिखी थी, और उनके अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनकी काफी फटकार भी लगाई थी। जी गोपाल, सफाई के अलावा कोई और ऐसी खामियां देखी गई कि जिसको लेकर मंडलायुक्त ने अधिकारियों को और फटकार लगाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ जो विकास कार्य है उनको लेकर वहाँ जायजा लिया, जो अंदर यानी कह सकते हैं कि जैसे पर्यटन के लिए जो रेस्टोरेंट बनाए गए थे, जो पार्किंग की व्यवस्थाएं कैसी थी, और वहाँ जो नई पार्किंग है उनको लेकर भी उन्होंने जो विकास का निरीक्षण किया था, और वो कब तक वहाँ जो अधिकारी है उनसे उनके बारे में पूछा था कि ये कब तक कम्प्लीट हो जाएगी और इसका लाभ पर्यटक कब उठा सकेंगे। तो इसकी ऐसी कई सारी चीजें थी जहाँ पर आनी वो जो मंडलायुक्त पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ पर जो का दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से ताजमहल के जरिए यहाँ पर जो काफी सारे हजारों की तादाद में जो पर्यटक आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर काफी निर्देश दिए हैं कि पर्यटकों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए, असुविधा नहीं होनी चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने जो अधिकारी हैं वहाँ पर उनको आदेश दिए। जी गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने शिल्प ग्राम का निरीक्षण किया, जहां पर सफाई से संबंधित कई खामियां देखी गई। खामियों को मद्देनजर रखते हुए संबंधित अधिकारियों पर जमकर फटकार भी लगाई गई। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।